अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी, उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। रानी आपने मुझे बुलाया? हम तुमको ही आवाज लगा रहे हैं। यहाँ पर और कोई रानी है क्या? बताओ तो जरा। मैं तो गुड़िया हूँ ना। So funny you are। आपको क्या काम है मुझसे? मेरा मतलब ये है कि आप इतने प्यार से तो बात कर नहीं सकती। कछु काम ही होगा। कितनी चंट हो ना तुम। चंट नहीं, सयानी हूँ। दोनों में बहुत फर्क होता है। बात तो सही है। चलो अच्छा फिर ये बताओ कि उस दिन मॉम जी तुम्हें पिपरिया गांव ले गई थी, फूल देवी के मंदिर। अरे उस दिन तुम बोल रही थी ना कि मॉम जी ने तुम्हें मारने की कोशिश की, जंगल में ले गई और वो भी शेरों के इलाके में, वहां पर ले जाके छोड़ दिया। बोलो बोलो पूरी कहानी हमें फिर से बताओ। आपको डांट सकती है लेकिन मरने मारने की बात नहीं कर सकती। हमारी माँ जी है, वो घर की बड़ी है। बेटा आपसे सुनने में समझने में कोई गलती हुई होगी। अरे टेल मी हाउ हैपेंड, व्हाट हैपेंड। वो सब आप मुझसे मत पूछिए, जाके पर की दादी से पूछ लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, पर मेरी बात तो सुनो। तो वो गुड़िया कुछ उगल रही है ना ही, ये गुड़िया कुछ बोल रही है। ये रास की गुत्थी जितनी सुलझती जा रही है उतनी ही उलझती जा रही है। My God and Goddesses, what to do? रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, रियाज शुरू करें। नहीं, तुम्हारी आवाज में नींद और थकान अभी भी है। सुर तो लगेगा नहीं और गुस्सा हमें और आएगा, तो बेहतर होगा कि रियाज नहीं करेंगे। जाओ। परी आपके गोदी में मालिक। हाँ परी है, जब पैदा हुई थी तब की तस्वीर है। हमने डॉक्टर से कहा था कि अगर बेटी हुई तो सबसे पहले उसे हमारी गोद में लाकर देना। परी की पहली तस्वीर है, दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर। बोला ना रानी, तेरी एक भी फोटो नहीं है। मेरी है, पीहू की भी है। हमारी तो पैदा होते ही पापू ने खिंचवा दी थी, पर तेरी नहीं खिंचवाई। देखो ना बाबूजी, चकोर भैया मुझे कहाँ कह रहे हैं। पगलेट है एकदम, कुछ भी बोलता है। उन दोनों की तस्वीर तो कागज पे उतारी थी और तेरी तस्वीर सीधा मेरे दिल में है बिटिया। जब तुझे पहली बार देखा था ना बिटिया, तो ऐसा लगा था जैसे देवी माँ धरती पे उतर आई हो। और जिसकी तस्वीर घर घर में हो उसको कोई फोटो खींचता है क्या, इसलिए नहीं खिंचवाई। ये मेरी बिटिया नहीं है चकोर,
मेरे कलेजे का टुकड़ा है। पापू पापू के पास फोटो नहीं है, पर जिनके घर में पैदा हुई थी उनके पास तो होगी ही ना। मुझे नहीं पड़ी होगी नहीं होगी, मेरे लिए जय पापू मेरे असली पापू है, दूसरा कोई नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी पिता अपनी संतान के विलक की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम अपनी एकमात्र संतान आपको सौंप के जा रहे हैं क्योंकि हम विवश हैं, हमें इसे त्यागना ही होगा। वाओ, क्लब के एनुअल डे में हमारी फैमिली का स्किट फर्स्ट आएगा, देख लेना। यस। देश की मैया ने सात पुत्रों को जन्म दिया और सात के सात पुत्रों को कंस ने मार दिया। अभी भी नहीं पता करना कुछ। खाना जी की कहानी तो सबको पता है रानी, पर तेरी कहानी का पूरा टाइम बोलती रहती है इसकी कहानी बदल दूंगी उसकी कहानी बदल दूंगी, पर तू तो अपनी कहानी कब बदलेगी? बदलेगी तो तब ना जब तुझे पता चलेगा कि तेरी असली कहानी है क्या, तेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, तुझे पता तो करना चाहिए रानी। देख मेरा काम था बताना, अब आगे तेरी मर्जी, तुझे पूछना है तो पूछ, नहीं पूछना तो ऐसे परेशान घूमती रहे बस। रानी क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अच्छा सुनो, हमारे क्लब में एक स्किट कंपटीशन है, हर फैमिली को एक छोटा सा नाटक तैयार करना है, हम लोग कृष्ण जन्म पर नाटक कर रहे हैं, देखो आप भी आओ ना, आपको बहुत मजा आएगा, चलो। हाँ कान्हा जी को कब पता चला था कि नंद बाबा उनके असली बाबा नहीं है? उन्होंने कभी पूछा उनसे कि उनके असली माता पिता कौन है और कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही क्यों पूछ रहे हैं तो कुछ गलत होता है का? मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे तुरंत क्लियर कर देना चाहिए, अपने मन में नहीं रखना चाहिए। कान्हा जी को नंद बाबा और यशोदा मैया ने पाला था। हाँ, पर उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव थे ना? हाँ, मतलब उन्होंने उनको जन्म दिया था। पर उन्होंने उनको छोड़ दिया? छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी उनकी बेटा, नहीं तो कंस मामा कृष्ण जी को भी मार देते। किसी ने बताया क्यों नहीं कान्हा जी को? कब? जब वो एकदम छोटे थे, बताना चाहिए था ना। ये तो सोचने वाली बात है। शुरू से ही पता होता तो दोनों माता पिता से प्रेम करते ना कान्हा जी। जब पता लगा तो करने भी लगे। लगाव चाहे कृष्ण जी को अपनी पालने वाली माँ से ज्यादा था, लेकिन प्रेम और सम्मान दोनों माता पिताओं के लिए बिल्कुल बराबर था। कृष्ण जी थे वो, और प्यार ऐसी छोटी चीज थोड़ी है जो बांटने से बढ़ जाए, प्यार जितना बांटो उतना बढ़ती है, पता है ना आपको? अपने असली माता पिता से मिलने के बाद भी कान्हा जी का प्रेम नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए कभी कम नहीं हुआ, ना उन दोनों का कान्हा जी के लिए। आई बात समझ में? अरे दद्दा आ जाओ, बाबा प्ले की रिहर्सल करनी है, और कितना टाइम? मैं भी अपने नंद पापा से कभी प्यार कम नहीं होने दूंगी, पर साथ में ये भी पता करना है मुझे कि मेरे वासुदेव पापू कौन है। तो जीरानी जान के रहेगी अपनी कहानी। पापू!
कि मुंह उठाए खुद से चले आए। कि कल तुम हमारे पीछे पीछे आए, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी बेटी गिरी पड़ी थी, आज फिर चले आए अंदर आते। माची, माची इन्हें हमने बुलाया है। वो गुड़िया की तबीयत खराब थी, इतनी चोट लगी है, कल रात से वो पापू पापू कर रही थी, तो हम ही ने कहा पापू और उसकी बेटी बुआ यही रहते हैं, वो सुबह आकर मिल लेंगे, इसीलिए हमने इन दोनों को बुलाया। बाप बेटी एक दूसरे से मिल लेते क्या हर्ज है? हर्ज है अरुणी बहू, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई भी देहाती गवार या दूसरे जाति धर्म का आदमी प्रवेश करे। अरे गुड़िया को झेल रहे कम है क्या? रोज अपने घर के शुद्धिकरण करने में हमारी जान जा रही है और तुम चली आई जहाँ गरीबों का मसीहा बनके। हैं जी हैं। चलो बिट्टी और बिरजू निकलो यहाँ से, पकड़ो सीता पिपरिया का रास्ता। बड़ी मालकिन बस मैं अपनी रानी बिटिया से। क्यों सीता मैया है, भोग लगा के जाओगे उसको? जिस तरह तुमने कपड़ा और लॉकेट संभाल के रखा है, कोई भी समझ जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं नहीं, हम इसी समय चले जाते हैं ना बड़ी मालकिन। हाँ हाँ मालकिन, आप नाराज मत होइए, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। हाँ पापू बुआ रुक जाइए। सबको पता है कि माता पिता भगवान होते हैं, पर मेरे लिए मेरे पापू भगवान से भी बढ़कर हैं, और अपने भगवान का अपमान मैं नहीं होने दूंगी। नहीं बिटिया, कोई अपमान नहीं हुआ है मेरा। हाँ रानी, बिना तू गुस्सा मत कर, तू शांत हो जा। कैसे गुस्सा ना करूं बुआ, मेरे पापू ने मुझे हमेशा सिखाया है बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना, और मैं करती भी हूँ। ये आपसे कैसे बातें कर रही हैं पापू? वो बड़ी है बिटिया। हाँ तो उनको तो पता होना चाहिए ना कि दूसरों से कैसे बात करते हैं। चुप, हमें तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है कि हमें किससे कैसे बात करनी है। है अच्छी चीज किसी से भी सीखने मिले उससे सीख लेना चाहिए। अब मेरे पापू और बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे जा, ये हमारा घर है, हम किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे ये हम तय करेंगे। जब मैं यहाँ रह सकती हूँ, या खाना खा सकती हूँ, या सो सकती हूँ, या परी के साथ खेल सकती हूँ, या अकेले घूम सकती हूँ, तो मैं भी तो इनकी बेटी हूँ ना, ये अंदर क्यों नहीं आ सकते? बिरजू बिट्टी निकलो यहां से। एक मिनट,
पियो ये लो। पियो ना। पियो। रानी अपनी अच्छाई और सच्चाई से सबका मन जीत लेगी, सब कुछ ठीक कर देगी। जो ठीक नहीं हो रहा है महेन, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी बेटी के प्रेम वश तूने चुप लगा ली है और तेरी आंखों के सामने जो अधर्म हो रहा है उसको तू रोक नहीं पा रहा है। मान ना करे कि एक दिन ऐसा आए जब तुझे इस बात का अफसोस हो कि तूने गलती की इस गुड़िया को घर में लाके इसको शह दे दी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल तो तूने डरा ही दिया था बिन्ना। अगर तुझे कुछ हो जाता ना बिटिया तो मैं जीते जी मर जाता। राम जी की कृपा है कि सब ठीक है। भगवान करे तो ऐसे ही खुश रहे, तंदुरुस्त रहे हमेशा। आपके होते मुझे कभी कुछ हो सकता है बापू। मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ बिटिया। बस एक बात कहना था तुझसे। बोलो ना बापू। हमेशा हर बात पे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं होती बेटा। कभी कभी ना बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इंसान को कभी भी अपनी जात और औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे नहीं पता है जात और औकात। मुझे बस ये पता है कि मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जो कोई भी आपको ऐसा बोलेगा मैं उसको ऐसे ही गुस्सा करूंगी। उनको क्या पता कि मेरे पापा मेरे लिए कहाँ है और उन्होंने मेरे लिए कहाँ किया है। मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे तुरंत क्लियर कर देना चाहिए, अपने मन में नहीं रखना चाहिए। एक बात बताओ पापू। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं गांव से तेरे लिए कुछ लेके आया। पापू। अरे अरे रुक तो सही। मुझे, अरे रुक जा मुझे, ये मगज के लड्डू तुझे बहुत पसंद है ना। पापू जब मैं छोटी थी तो गुड़िया देखो हम तुम्हारे पापू और बुआ के लिए क्या लाए। चिप्स कुकीज। मैंने ट्राई किया पर पूछ नहीं सकी। अच्छा ही हुआ नहीं तो पापू को खराब लगता। वैसे तो मैंने सोच ही लिया है मैं इनको ही अपना बाबू मानूंगी और साथ में असली मम्मी पापा को भी ढूंढ के ही रहूंगी। पता तो चलना चाहिए ना कि उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। पर वो मिलेंगे कहाँ? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। राम जी कहा करूँ, किससे पूछूं? राम जी हेलो, अब कहा बोल रहा है चकोर? अरे कहा आवाज नहीं आ रही है? हाँ नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर जाके फोन करती हूँ। हाँ हाँ हा। अरे रानी ऐसे क्या देख रही है? आपको मेरी जान की कसम मैं जो पूछूंगी आप उसका मुझे सच सच जवाब दोगे और हम दोनों के बीच की बात अब किसी को भी नहीं बताओगे, पापू तक को नहीं। पापू मेरे नंद बाबा है। तुम मेरे पास से पापू कौन है?
शुक्ला परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश तो बनती है शुक्ला ही। ₹5,00,000 देंगे पर काम हो जाना चाहिए। एक बार जिसकी फोटो मुझे मिल जाए ना उसको तो यमराज के दर्शन पक्के। जिसने मुझे कभी धोखा ना दिया भी आवाज चलती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। बड़ी मालकिन